यस, व्हाई गल्फ कंट्रीज इज नॉट गिविंग एडवांस पेमेंट, जो गल्फ की कंट्रीज है, दुबई वगैरह है, वो एडवांस पेमेंट क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल जो है बहुत सारे एक्सपोर्टर के मन में होगा। और आपने सुना होगा कि गल्फ में एक्सपोर्ट करते हैं, दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा डूबता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है और स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर बिजनेस करना है तो आपको जो है रियल नॉलेज यहाँ पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गल्फ के अंदर पैसा डूबता है उसका रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यस, कमीशन पे काम जो भी करते हैं उसका पैसा डूबता है। मैंने भी गल्फ में कमीशन पे एक्सपोर्ट किया हुआ है और मेरा भी पैसा गल्फ में डूबा हुआ है, मैं आपको फैक्ट यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए, जो भी लोग कमीशन पे काम करते हैं उसका पैसा डूबता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक्सपोर्ट ओनली फिक्स प्राइस पे कीजिएगा। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क भी जो है यहां पे बहुत ही कम है। बट आप ही कमीशन पे करते हो, कमीशन पे बहुत ज्यादा रिस्क है, नहीं करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। यहां पे क्या है, लोगों को राइट नॉलेज नहीं है, फिर क्या कमीशन पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसका पैसा डूबता है। फिर बोलेंगे, सर आपने बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा है, पैसा नहीं डूबता है। अरे भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है बहुत अच्छा है, पैसा नहीं डूबता है, बट कमीशन पे काम करते हो तो डूबता है, क्योंकि आपने ओपन मार्केट चूज किया है। अगर मार्केट अप जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपको नुकसान होगा, ये शेयर मार्केट की तरह है। तो आपको जो है फिक्स पे बिजनेस करना है, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि 5% या 10% जो भी आपने प्रॉफिट रख के फिक्स प्राइस दिया है उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और गल्फ कंट्री के अंदर कोई एडवांस वगैरह नहीं देता है तो आप कंट्री चेंज कर सकते हो। यस, मैं आपको बताऊं, मुझे अमेरिका से कॉल आया था कि हाय, आई वांटेड टू इंपोर्ट फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल फ्रॉम इंडिया, कैन यू एक्सपोर्ट? मैंने बोला यस, वी कैन एक्सपोर्ट टू यू। फिर वो बोलता, व्हाट इज योर पेमेंट टर्म? 50% एडवांस एंड 15% बिफोर डिलीवरी। उसके बाद उसने बताया कि ओके, आई विल लेट यू नो, आई विल डिस्कस विथ माई टीम एंड आई विल लेट यू नो। उसके बाद उसका कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं। बट अपने को जो है अपनी पेमेंट टर्म में काम करना है। बिजनेस थोड़ा लेट हो, एक्सपोर्ट थोड़ा लेट हो, चलेगा, बट एक्सपोर्टर आपको अपनी पेमेंट टर्म में काम करना है और फिक्स प्राइस में काम करना है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ये इश्यू जो है एक सेगमेंट का है और एक कंट्री का है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहां पे मेरे पास कॉपर बोतल है, ये कॉपर बोतल का जो है परचेज प्राइस जो है वो 300 रुपीज है। अब मुझे आगे इसको दे देना है 400 रुपीज, या वो डिस्काउंट मांगता है, मैं इसको 350 में दे सकता हूं, मतलब 350 में मुझे पड़ेगा तो मैं इसको दे सकता हूं, तो 350 इसका डन हो गया। बोलिए, इसमें कहां पे लॉस है? उसको 1000 पीस चाहिए, मैं 350 के हिसाब से उसको दे दूंगा। लॉजिस्टिक का खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है एफओबी सीआईएफ प्लस रहेगा। 350 यहां पे जो है एक्स फैक्ट्री प्राइस है, एफओबी करना है, सीआईएफ करना है, वो एक्सपेंस इसके ऊपर प्लस रहेगा। तो मुझे तो बोतल पे पर बोतल 50 रुपीज मिला कि नहीं मिला, आप देखिए। तो यहां पर देखिए, फिक्स में आप बिजनेस करोगे कोई भी प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट के अंदर जनरली एडवांस क्यों नहीं देते, इसका मैं आपको पूरा रीजन बताता हूं। देखिए, पहले गल्फ कंट्रीज भी एडवांस में बिजनेस करती थी, पर इसमें होने क्या लगा कि यहां पे अपने इंडियन जो है कभी कभी क्या करते थे, मिक्स में, मतलब अच्छा भी गुड्स भेज देते थे और अच्छा नहीं है तो भी यहां से भेज देते थे, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट वहां जाके खराब हो जाती थी, कंटेनर के अंदर जो बॉक्सेस है वो खराब हो जाते थे, तो फिर वो लोगों को वहां पे लॉस होता था। ये तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, 10 लाख का कंट्री यहां से भेजा है, वहां पे आधा गुड्स खराब हो गया, तो कंट्री पे 5 लाख रुपीज का क्या है, इंपोर्टर को लॉस होता था। तो इंपोर्टर ने क्या किया कि भाई, हम वहां पे लेने नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे हमारे साथ गड़बड़ हो जाता है, तो आप हमको दुबई के अंदर, गल्फ के अंदर, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट दीजिए, हम आपको 5% ज्यादा देंगे, बट हमको प्रोडक्ट हमारे मार्केट में चाहिए। फिर यहां पे क्या हुआ कि जो इंडियन लोग वगैरह थे, उसने दुबई के अंदर या गल्फ के अंदर एक अपना कंपनी खोल लिया। अब अपना ही गुड्स यहां से उसको पैक करते थे, गल्फ में ले जाते थे और वहां पे उसको डिलीवरी देते थे। अब रिस्क किसका हो गया? एक्सपोर्टर का हो गया। अगर रास्ते में भी गुड्स खराब हो जाता है तो एक्सपोर्टर का लुकआउट है, एक्सपोर्टर को रिस्क बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो गल्फ का सुपरमार्केट वाला बंदा है वो तो क्वालिटी देखेगा, उसके बाद गुड्स लेगा और पैसा वहां पे कैश ऑन डिलीवरी दे देगा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये लोगों ने ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया, तो दूसरे लोग भी उसको दे रहे थे कि भाई तुम हमारा माल भी ले लो, तो ये लोग भी फिक्स पे ले रहे थे, तो फिक्स में हो क्या रहा था कि ये भी गुड जो है खराब हो जाने लगा, तो एज ए एक्सपोर्टर को भी क्या होने लगा?
लगा, लॉस होने लगा। और दूसरा एक रिस्क था डिमांड एंड सप्लाई का, मार्केट अप एंड डाउन हो गया। यहां से चिली 100 रुपीज किलो लिया है, वहां पे जाके बिकता है 90 रुपीज में, तो जो एक्सपोर्टर है उसको तो लॉस हो रहा था, जो वहां पे खुद कंपनी खोल के बैठा है, जो इंपोर्ट करता है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो बंदे ने क्या किया, लॉस जो है एक्सपोर्टर पे ट्रांसफर कर दिया। तब जो लोगों ने दुबई के अंदर कंपनी खोला था उसने क्या किया, कमीशन पे काम शुरू कर दिया। देख भाई, मेरी कंपनी दुबई के अंदर है, तुमको मेरी कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट करना है, और उसका प्राइसिंग जो है पहले से फिक्स नहीं रहेगा, वहां पे जो बिकेगा उस हिसाब से तुमको मिलेगा। अगर अप मिला तो अप मिलेगा, अगर डाउन मिला तो तुमको डाउन मिलेगा, और मेरा जो कमीशन है वो 5% रहेगा। ऐसा बिजनेस लोगों ने शुरू कर दिया और लोगों ने भी कमीशन पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से जो है दुबई या गल्फ का जो मार्केट है कमीशन का मार्केट हो गया है। तो अब यहां पे क्या हुआ, गल्फ के जो बायर है उसको वहां पे गुड्स मिल रहा है, क्वालिटी गुड्स मिल रहा है और रिस्क फ्री गुड्स मिल रहा है, तो वो क्यों इंडिया में आए और एडवांस पेमेंट दे। और यहाँ पे अपना इंडियन लोग जो है क्रेडिट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी नए लोग आ रहे हैं वो बोले कि धंधा तो शुरू होगा तो हम यहाँ पे क्रेडिट में भी देंगे और कमीशन पे भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्रेडिट में देते हैं, कमीशन में देते हैं, दो टाइप के रिस्क है। क्रेडिट में देते हैं तो फिर अच्छा बंदा नहीं निकला, जो इम्पोर्टर अच्छा नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और आपने कमीशन पे एक्सपोर्ट किया है, अब आपको प्राइस अप जाएगा तो अप मिलेगा, डाउन जाएगा तो डाउन मिलेगा। तो यहां पे देखिए, एक्सपोर्टर को बोलता है मुझे तो लॉस हो गया। तो देखिए, एक सेगमेंट है, एक मार्केट है जहां पे ऐसा काम चल रहा है। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कमीशन पे बिजनेस मत कीजिएगा, कमीशन में जो है लॉस होता है, यहां पे मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए मेरी ट्रेनिंग होती है, उसमें भी बताता हूं, दुबई में ध्यान रख के धंधा करना है, जो कमीशन बेस्ड मार्केट है उसमें आपको लॉस हो सकता है, बाकी दूसरी कोई भी मार्केट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस जो है फिक्स होता है, आपको फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरी जो प्रोडक्ट है पेरिशेबल को छोड़ के, उसमें ECC भी मिलता है और 30-40% एडवांस भी मिल जाता है, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो यहां पे जो है गल्फ का ऐसा सिस्टम बन गया है क्रेडिट वाला। तो यहां पे देखिए, आप कमीशन पे काम मत करिएगा, मैं आपको बताता हूं। उधारी पे, क्रेडिट पे एक बार आप कर सकते हो, देखो बायर जो है जान पहचान वाला है, कोई रेफरेंस है, तो उधारी पे क्रेडिट पे एक बार काम कर सकते हो, बट फिक्स में करने का, कमीशन पे करते हो तो लॉस होता है। क्रेडिट पे करो बट फिक्स में करो तो कोई लॉस नहीं होगा, बट कमीशन पे करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। तो यहां पे जो है नए एक्सपोर्टर को इतना आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अच्छा है, यहां पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सेगमेंट, एक मार्केट में जो है ऐसा चल रहा है, तो प्लीज बी अवेयर, बी केयरफुल। बाकी पूरी दुनिया पड़ी है जहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहां पे मोस्टली अदर प्रोडक्ट्स एंड अदर मार्केट के अंदर एडवांस मिलता है। अभी यहां पे अहमदाबाद में एक स्टूडेंट आया था ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली से आया था बंदा, वो बंदा खुद एक एक्सपोर्टर था और सीखने के लिए यहां पे आया था, और वो बंदा मुझे जो है उसका टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा था कि सर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक बार देख लीजिए। उसमें पहला ही सेंटेंस था 70% एडवांस एंड 30% बिफोर डिलीवरी। बोले सर मेरी प्रोडक्ट में 70% एडवांस मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। तो देखिए, यहां पे एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप के वीडियो के अंदर आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उसको भी नॉलेज मिले और फ्रॉड से बचे, उसका भी पेमेंट ना डूबे। तो यहां पे आप प्रॉपरली सही से सीखिए, सही से नॉलेज लीजिए, सही से राइट गाइडेंस लीजिए, और सही और राइट पेमेंट टर्म के अंदर एक्सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।